तो अब मैं आपको सिंथेसिस के अंतर्गत डिफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लाज पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके पहले नाउन क्लाज पढ़ाया हूँ, अब मैं आपको एडजेक्टिव क्लाज बताने चल रहा हूँ। एडजेक्टिव क्लाज माने विशेषण उपवाक्य, यानी एडजेक्टिव क्या है, अतः जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ भी वही होता है। अब यहाँ कैसे इसका प्रयोग करेंगे, लिखिए कैसे आप दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एडजेक्टिव क्लाज का प्रयोग करेंगे, उसका नियम क्या है, लिखिए नियम। जब दो वाक्य एक साथ आते हैं, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं तो उनमें किसी एक वाक्य में कोई एक नाउन होता है, किसी वाक्य में हो सकता है, चाहे पहले वाक्य में हो चाहे दूसरे वाक्य में हो, किसी एक वाक्य में कोई नाउन होता है और दूसरा वाक्य उस नाउन की विशेष दूसरा वाक्य उस नाउन की विशेषता बताता है। यदि पहले वाक्य में कोई नाउन है तो दूसरा वाक्य विशेषता बताएगा, और यदि दूसरे वाक्य में कोई नाउन है तो पहला वाक्य विशेषता बताता है। तो उचित कंजंक्शन लगा करके जो विशेषता बताने वाला वाक्य है उसको ठीक उस नाउन के बाद रख देते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है, ठीक उसी के बाद रखते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं रखेंगे। उचित कंजंक्शन लगा करके उस विशेषता बताने वाले वाक्य को ठीक उस नाउन के बाद रखते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। अब एक चीज और आप जान लीजिए कि इसमें जो कंजंक्शन आएंगे व्हाट हाउ व्हेन वेयर व्हाई, तो ये किसके लिए लगते हैं, तो ये है हु का प्रयोग सजीव अलाइव सजीव के लिए होता है, वेयर का प्रयोग स्थान यानी प्लेस के लिए होता है, व्हाई का प्रयोग कारण रीजन के लिए होता है, वेन का प्रयोग समय यानी टाइम के अर्थ में होता है, विच और दैट का प्रयोग निर्जीव वस्तु न्यूट्रल थिंग्स के लिए होता है। तो इस प्रकार जो है आप इसको जानिए, हमने बता दिया, अब इसी के अनुसार आप उदाहरण देखिए समझ में आ जाएगा। पहला है, एक उदाहरण है, आई हैव ए डॉग फुल स्टॉप, इट इज वेरी फेथफुल। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज वेरी फेथफुल, यह बहुत ही विश्वास पात्र है। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, कुत्ते की। क्या विशेषता है, बहुत विश्वास पात्र है, कुत्ता पहले वाक्य में आया है। तो अब ए डॉग के बाद कंजंक्शन लग के दूसरा वाक्य आ जाना चाहिए, तो संयोग से डॉग वाक्य के अंत में ही है, तो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए डॉग और डॉग सजीव है इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, हु इज वेरी फेथफुल। आई हैव ए डॉग, हु इज वेरी फेथफुल, दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सजीव छोटे जानवरों के लिए दैट भी आता है, तो ये भी हो सकता है कि आई हैव ए डॉग दैट इज वेरी फेथफुल, ये भी कहीं कहीं मिलता है। एक उदाहरण और देखिए, आई गेव हिम ए कैमरा फुल स्टॉप, इट इज वेरी चीप, मैंने उसको एक कैमरा दिया, इट इज वेरी चीप, यह बहुत सस्ता है। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, कैमरे की। क्या विशेषता है, बहुत सस्ता है। तो कैमरे के बाद कंजंक्शन लग के दूसरा वाक्य आ जाना चाहिए, तो हो जाएगा आई गेव हिम ए कैमरा और कैमरा निर्जीव है इसलिए इसके लिए कंजंक्शन क्या लगेगा, विच इज वेरी चीप। आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसको एक कैमरा दिया, विच इज वेरी चीप, जो बहुत सस्ता है। एक उदाहरण और देखिए, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है फुल स्टॉप,
आई वाज स्टार्ट हियर, यहाँ मैं पढ़ाया गया था। यानी इसमें नाउन क्या है, स्कूल, और उस स्कूल की क्या विशेषता है, तो यहाँ मैं पढ़ाया गया था। स्कूल स्थान सूचक है, इस भी स्थान के लिए क्या लगेगा, वेयर, तो हो जाएगा दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है वेयर आई वाज स्टार्ट, जहाँ मैं पढ़ाया गया था, यह वह स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाया गया था। तो आप देखिए संयोग से जो भी नाउन आए, विशेषता बताने वाले वाक्य के अंत में रहे और उसके बाद आपने तुरंत कंजंक्शन लगा दिया और दूसरे वाक्य को जोड़ दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नाउन अंत में ना आकर के बीच में आ जाएगा, तो जो दूसरा वाक्य विशेषता बताता रहेगा उसको आप उसी नाउन के पास कंजंक्शन लगा करके लाएंगे जिसकी वह विशेषता बताएगा। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको देने चल रहा हूँ, आप देखें। हाँ, ये उदाहरण है, द मैन वाज कॉट, आदमी पकड़ लिया गया, ही स्टोल माई वॉच, वह मेरी घड़ी छुड़ाया था। आदमी पकड़ लिया गया, वह मेरी घड़ी छुड़ाया था, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की, मैन की क्या विशेषता है, तो वह मेरी घड़ी छुड़ाया था। तो ही स्टोल माई वॉच, यह विशेषता बता रहा है मैन का, तो यह मैन के पास आना चाहिए। तो बनाएंगे तो क्या जाएगा, द मैन हु स्टोल माई वॉच कामा वॉच काट, ही स्टोल माई वॉच, यह विशेषता बता रहा है मैन का, तो यह मैन के पास कंजंक्शन लग के आएगा, तो हो जाएगा द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉच काट। देखिए जब हूँ लगेगा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हूँ सब्जेक्टिव केस में होता है, तो जब हूँ आ जाएगा तो वही सब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए जो सब्जेक्ट रहेगा वहाँ वो खत्म हो जाता है। तो हो जाएगा द मैन, आदमी, तो हूँ स्टोल माई वॉच, जो मेरी घड़ी चुराया, वॉच काट, पकड़ लिया गया था। एक और उदाहरण देखिए, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी कल मेरे यहाँ आया, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। एक आदमी कल मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था, किसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की, क्या विशेषता है, अंधा है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ब्लाइंड, यह विशेषता बता रहा है आदमी का, तो यह कहां पहुंचना चाहिए, आदमी के पास, ए मैन के पास, तो हो जाएगा ए मैन, और ए मैन सजीव है इसलिए इसके लिए क्या आएगा, हू, हू वॉज ब्लाइंड कामा केम टू मी स्टरडे, ए मैन, एक आदमी, तो हूँ आज ब्लाइंड, जो अंधा था, केम टू मी स्टरडे, कल मेरे पास आया। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यह ध्यान रखिए कि जो विशेषता बताने वाला वाक्य है वह कंजंक्शन लग करके बिल्कुल उसी नाउन के तुरंत बाद, इधर उधर नहीं लगेगा, उसी नाउन के तुरंत बाद लगेगा जिसकी वह विशेषता बता रहा है। ये दोनों उदाहरण उसी का है। तो मेरे ख्याल से आप एडजेक्टिव क्लाज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगर आप इंटरेस्टेड हों तो अपने कॉपी पर लिखें, मैं बोल रहा हूँ और उसका उत्तर भी बोल रहा हूँ, बनवा रहा हूँ इससे, ताकि आपका और अभ्यास हो जाए। देख लीजिए, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, My father will come from Delhi. Full stop. I do not know the time. मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे. I do not know the time. मैं समय नहीं जानता हूँ. इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? समय की. मैं वह समय नहीं जानता हूँ. कौन सा समय? कि कब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे. समय के लिए क्या लगता है? When लगता है. आपको लिखाया गया है पहले ही. समय के लिए, टाइम के लिए क्या लगाते हैं कंजंक्शन? व्हेन. तो हो जाएगा आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, बन गया। एक और लिखिए, द पेन इज माइन, द पेन इज माइन, कलम मेरी है, फुल स्टॉप, इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर है, कलम मेरी है, यह मेज पर है। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? कलम की। क्या विशेषता है? अतो टेबल पर है। तो यह
इट इज ऑन द टेबल कंजंक्शन लग करके पेन के पास आएगा, तो क्या आएगा? द पेन, कलम निर्जीव है, इसके लिए कंजंक्शन क्या लगेगा? विच, तो हो जाएगा द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, बन गया। वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, फुल स्टॉप। हियर ए शेफर्ड वॉज लिविंग विथ हिज फैमिली, हियर ए शेफर्ड वॉज लिविंग विथ हिज फैमिली। हम लोग एक झोपड़ी से होकर के आए, उस झोपड़ी की क्या विशेषता थी? तो यहाँ एक शेफर्ड चरवाहा अपने परिवार के साथ रहता था। झोपड़ी स्थान सूचक है, हियर लगा है यहाँ, तो स्वाभाविक है इसके लिए कंजंक्शन वेयर लगेगा, तो हो जाएगा वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज वेयर ए शेफर्ड वॉज लिविंग विथ हिज फैमिली। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, फुल स्टॉप। ही इज माई ब्रदर, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का वहाँ खड़ा है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? द बॉय की। क्या विशेषता है? मेरा भाई है। तो यह जो मेरा भाई है जाएगा ही इज माई ब्रदर, कंजंक्शन लग कर के बॉय के पास, तो बॉय सजीव है, इसके लिए कंजंक्शन क्या लगेगा? हूँ, तो हो जाएगा द बॉय हु इज माई ब्रदर कामा इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज माई ब्रदर इज स्टैंडिंग देयर। अब तो आप ज्यादा समझ गए होंगे, एक आध और देखिए। ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, वह कल स्कूल नहीं आया। डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हैं? इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? वह स्कूल नहीं आया, क्या आप कारण जानते हैं? वह स्कूल नहीं आया, इसका कारण क्या है? कारण की विशेषता बताई जा रही है, तो वो वाक्य पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हैं? कौन सा कारण कि क्यों वह स्कूल नहीं आया, तो हो जाएगा डू यू नो द रीजन वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, बन गया। विल यू गिव मी द वॉच, प्रश्नवाचक चिन्ह, इट इज ऑन द टेबल। विल यू गिव मी द वॉच, क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे? इट इज ऑन द टेबल, यह मेज पर पड़ी हुई है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? घड़ी की। क्या विशेषता है? मेज पर पड़ी हुई है, उसी के आगे जुट जाएगा विल यू गिव मी द वॉच, निर्जीव है, विच इज ऑन द टेबल, निर्जीव है, विच से होगा, विच इज ऑन द टेबल। तो आई हैव बॉट ए पेन ए फ्यू डेज बैक, थोड़ा सा टिपिकल है, देखिए। आई हैव बॉट ए पेन ए फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट, आई बॉट ए पेन ए फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले मैंने एक कलम खरीदा, आई हैव लॉस्ट इट, जिसे मैं खो चुका हूँ। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? पेन की। क्या विशेषता है? कि उसे अब मैं खो दिया। प्रायः लड़के बना देते हैं तो बनाते हैं आई बॉट ए पेन ए फ्यू डेज बैक विच आई हैव लॉस्ट, तो गलत हो गया, विच किसकी विशेषता बताने लगा? बैक की, गलत हो गया। विच कंजंक्शन लग करके ठीक उसी के पास, विच कंजंक्शन लग करके और वो वाक्य होना चाहिए जिसकी विशेषता बताता है, तो आना चाहिए आई बॉट ए पेन के पास आना चाहिए, तो क्या करेंगे? ए पेन के बाद ए फ्यू डेज बैक है, अगर ये हट जाए तो अभी ठीक हो जाएगा, तो इसको उठा के प्रारंभ में कर दीजिए। ए फ्यू डेज बैक आई बॉट ए पेन, ए फ्यू डेज बैक आई बॉट ए पेन विच आई हैव लॉस्ट, कुछ दिन पहले मैंने एक कलम खरीदा जिसे अब मैं खो दिया हूं। तो इस प्रकार ये बन गया। आप एक तरह से और बना सकते हैं, आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने वह कलम खो दिया है, कौन सी कलम, उसकी क्या विशेषता है? तो विच आई बॉट ए फ्यू डेज बैक, जिसे मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था, उस कलम की दो दो विशेषता है,
एक तो मैं खो चुका हूँ ये भी विशेषता है, और एक ये भी तो विशेषता है कि कुछ दिन पहले वो मेरी वो कलम खरीदी गई थी। तो ऐसे ही बन सकता है, आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट ए फ्यू डेज बैक। यू हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस, यू हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस, आपने मेरी किताब किसी स्थान पर रख दिया है। फुल स्टॉप, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाइए। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, आपने मेरी किताब किसी स्थान पर रख दिया है, उस स्थान को दिखाइए। किस स्थान को दिखाइए, उस स्थान की क्या विशेषता है, तो जहां आपने मेरी किताब रख दिया है स्थान के लिए वेयर, तो हो जाएगा शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाइए वेयर यू हैव पुट माई बुक, जहां आपने मेरी किताब रख दिया है। वेयर यू हैव पुट माई बुक, जहां आपने मेरी किताब रख दिया है। तो इस प्रकार मेरे समझ से आप इसको समझ गए हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पास कमेंट्स अवश्य लिखें, और कमेंट्स में लिखें कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है, या ये दिक्कत है, या मैं समझ गया संतुष्ट हूँ, ये भी तो लिखें। कम से कम हमको ये मालूम हो जाए कि हाँ हमने पढ़ाया, आप समझ गए। तो कमेंट्स लिखें और जैसा हो, और इसके आगे वाले पाठ में अब मैं आपको अगले पाठ में एडवर्ब क्लॉज के विषय में बताऊंगा। धन्यवाद।